अभी हमने खुद खाना खाया, तो बहुत अच्छा टेस्ट था, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको एक और बात इसमें ऐड कर देती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया, सऊदीया, कुछ इस तरह के, जिसको हम बहुत वेल सेटल्ड, वहाँ से लोग यहाँ पर गंबाला में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, युगांडा। इसी पॉइंट पर मैं अपने बच्चे लेकर रुकी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे कराची में, तो सेंट पैट्स में जाते थे, बेटा मेरा, बेटी मेरी मामा में जाती थी। बट ये कि अगर मुझे कोई पूछे कि कराची छोड़कर यहाँ पर कैसे रह रही हो, मैं तो इन्हीं के साथ रह रही हूँ, तो मतलब बहुत बहुत हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। और मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छे हैं। मतलब आने से पहले मैंने भी ये सोचा था कि कैसे रहा जाएगा, मेरी बेटी है, मैं बहुत टेंशन में थी कि उसको लेकर आऊंगी, वो भी अफ्रीका में, और भी कैसे चलेगा। तो ये लोग बहुत सिक्योरिटी देते हैं, बल्कि उनको ये पता है कि एज अ मुस्लिम हमारे क्या कस्टम्स हैं, हम किस तरह रहते हैं। बिल्कुल, और इवन यहाँ पर इनको इतना भी पता है हलाल हराम, जो बच्चों में स्कूल में बच्चों को खाना देते हैं तो वो बहुत ध्यान रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। ये तकरीबन कंपाला से आई थिंक 80 किलोमीटर के फासले पे लीरा जाते हुए, और ये दरमियान में एक है टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ये दस्तरखान टाइप ये रेस्टोरेंट था बना हुआ है, जहाँ पे बेसिकली पाकिस्तानी जो एक फैमिली है वो चला रही है, बल्कि ये अभी फ्यूचर में बन रहा है, उसको मज़ीद आगे ये इन्होंने पीछे एक जगह ली है जो कसाना होटल इनके नाम से। तो ये पीछे इसमें यानी काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं, इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल और मतलब का प्लान है, आगे पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी, तो उसको ये जो है ना स्टैब्लिश करेंगे। तो इट्स रियली अस्टाउंडिंग, पाकिस्तान का नाम जहाँ भी देखते हैं बाहर कहीं कोई अच्छा काम कर रहा है और डिफरेंट जगह पर हट के, तो उसको डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। आप इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्यों सोचा और क्या वजह है। अभी जैसा कि मैं आपको दिखाया बाहर ये दस्तरखान रेस्टोरेंट और टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये मैं यहाँ पे इनसे मिला, ये यहाँ पे इसको रन कर रही हैं, एक हमारी सिस्टर हैं। तो मैं उनसे पूछा कि ये क्या इतनी दूर क्यों आए और इतनी दूर आने का क्या राज है कि आप कंपाला से मेरे ख्याल में तकरीबन 70-80 किलोमीटर एक तकरीबन दूर है और कुछ भी नहीं है आसपास, मतलब कुछ भी नहीं, इसकी मीन्स कि पाकिस्तानी या कोई इंडियन इस तरह से कुछ भी नहीं है, लोग तो हैं तो इस तरह से कुछ पास नहीं, यानी मार्केट यानी इससे कहते हैं सेंटर आप कहीं बैठे होते हैं इस लिहाज से, यानी कुछ आसपास नहीं, तो ये क्या वजह थी, यहाँ पे कैसे आना हुआ, कैसे स्टार्ट कर लिया? बेसिकली इस रेस्टोरेंट का अगर मैं बैक हिस्ट्री आपको बताऊँ तो यही थी कि हम यहाँ बेसिकली फार्मिंग के लिए आए थे, कॉफी फार्मिंग के लिए, ठीक है। बट हम खुद ही जैसे बैठ कर जब सोचते थे, ना टिक्के मिलते थे, ना बर्गर्स मिलते थे, ना बिरयानी, ना पुलाव, कुछ भी हमारे पास कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो फिर हमने यही सोचा कि चलो खुद भी खाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं इस तरह करके। अच्छा, सही। तो इसलिए हमने ये छोटा सा इधर एक सेटअप खोला ताकि हम खुद भी यहाँ पर फैसिलिटेट हो सके, हमारे मेहमान आए तो हम उनको कुछ अच्छा सा प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ जो यहाँ से ट्रेवल करके दूसरी तरफ जाते हैं, जी जी, जो हमारे इंडियन पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो भी लोग यहाँ से ट्रेवल करते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं खाने में, चीजों में, तो वो हमें पहले से ऑर्डर करते थे तो हम उनके लिए अच्छा सा प्रॉपर मील तैयार कर देते ताकि उनको उनके बच्चे, यानी वो आने से पहले ऑर्डर कर देते हैं। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। हमारे पास यही ऑप्शन होता है जब कंबाला से कोई निकलता है, ठीक है, तो हमें 20 मिनट या 30 मिनट के फासले पर बोलते हैं, अच्छा, कि हमें हमारे लिए पिज्जा रेडी कर लीजिएगा। यहाँ पर और भी यंगस्टर्स भी रहते हैं, इंडियन भी रहते हैं, अच्छा, पाकिस्तानी भी रहते हैं, विदाउट फैमिलीज रहते हैं, विदाउट वाइफ रहते हैं, तो फिर उनको फिर ये सारी बात है, तो उनको बहुत इजी पड़ता है। वो एक फोन करते हैं, बोलते हैं यार एक हफ्ते तक आप टिफिन भेज देंगे, मैंने कहा ओके, मतलब टिफिन सिस्टम, अच्छा, अभी टिफिन आया, ठीक है। और टाइमिंग क्या है आप लोग के? ये सुबह 7:30 बजे से 11 बजे तक हम लोग खुला रखते हैं। इसकी वजह ही ये है कि अगर जैसे कोई अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रेवल कर रहा है मर्चेसन की तरफ या लीरा की तरफ, इसलिए होता है कि आपको सबसे अच्छा मतलब पाकिस्तानी या इंडियन टेस्ट का खाना मिल जाता है ऑन द हाईवे, क्योंकि ऑल द वे कंपाला में तो आई थिंक 9 बजे से 9:30 बजे के बाद हम सोचे भी तो कि कुछ चाहिए तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ जाएं, एग्जैक्टली। बट हम हमारे पास लिवेरो में ही ऑप्शन है कि हम ये एरिया का नाम लिवेरो है, ये भी नहीं बता दो, ये लिवेरो डिस्ट्रिक्ट है पूरा। अच्छा, लिवेरो डिस्ट्रिक्ट और जिस जगह पर ये है ये मेन पीड़ा पर है। अच्छा, आप बता रही थी, सॉरी वो बताएं क्या बना रहे हैं आप लोग? ये हम लोग यहाँ पर पूरा वो कसाना होटल अपार्टमेंट, जी जी, होटल अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। इसकी भी हिस्ट्री यही है कि जब अगर यहाँ पर जैसे कोई इन्वेस्ट करने के लिए आता है या कोई भी किसी वजह से चलो आ रहे हैं तो उनको रहने का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो बेसिकली जो रेस्टोरेंट है वो सुबह 8 बजे के बाद लाइट खोलेंगे। अच्छा, और रात के 9 बजे सब लाइटें बंद हो जाएंगी, मतलब गांव टाइप माहौल है बेसिकली, गांव टाइप माहौल है और वो लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी है वो बचाना और चीजें, हम लोग जरा पाकिस्तानी जरा आयाश टाइप ये तो बात सही है आपकी, हमें तो लाइट भी चाहिए और फेसबुक भी चाहिए, हम यहाँ पर इंटरनेट भी चाहिए। अच्छा, इंटरनेट क्या है? हम यहाँ पर इस होटल में फ्री वाईफाई देंगे,
डेढ़ साल में आप वापस आएंगे तो आपको शॉपिंग मॉल भी मिलेगा। बेसिकली इसको हम जैसे लोग कंपाला में जो नए रहते हैं वो कहते हैं 2013 तक आई थिंक कंपाला में कुछ भी नहीं था, केएफसी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बाद ही सारी चीजें आना शुरू हुई हैं। तो इसी तरह 2019 है इंशाल्लाह 2000 आप लोग लोहेरो भी एक पूरा सिटी की तरह फील करेंगे। कंपाला सिटी जैसे अभी बहुत ज्यादा टॉप पर चल रहा है तो बाज़ अवकात फैमिली जैसी होती है वो बैक टू पाकिस्तान हो जाती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत वहाँ पर रहना सहना महंगा हो जाता है। तो अब क्योंकि ये है कि यहाँ पर आप बेसिकली $500 या $600 में भी जैसे आपका अगर इनकम हो जी जी तो आप आराम से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर सुकून से जिसको हम बोलते हैं फैमिली लाइफ 6 बजे के बाद आपके हस्बैंड घर पर आ जाएंगे, कोई दोस्त नहीं, कोई दूसरा, मतलब आपकी अपनी फैमिली लाइफ चल रही होती है ना। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलती है यहाँ बड़ा कम्पेयर टू सिटी लाइफ। कंपाला से यहाँ पर बहुत तसल्ली से जिंदगी गुजर रही है, मतलब सुकून से। एजुकेशन भी अच्छी है क्योंकि ऑल ओवर युगांडा सेम। हाँ, ये एक बड़ी बात है, सेम करिकुलम है ऑल ओवर युगांडा। इसी पॉइंट पर मैं अपने बच्चे लेकर रुकी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे कराची में तो सेंट पैट्स में जाते थे, बेटा मेरा, बेटी मेरी मामा में जाती थी। एक जस्ट एक क्वेश्चन था क्योंकि कुछ फैमिलीज पूछती हैं, सिक्योरिटी वाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे आपको, ये यहाँ के लोग तंग तो नहीं करते या यहाँ के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी? अच्छा, ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इनके हिसाब से एशियंस होते हैं, इनके पास ये बेसिकली इनके माइंड सेट है कि एशियंस लोगों के पास बहुत एनर्जी होती है और वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं। अच्छा, तो ये आपको तंग नहीं करते बल्कि इनको पसंद आता है कि ये देखें कि हम लोग कैसे रहते हैं, हमें फॉलो करते हैं। अच्छा, और हमारी बहुत, मतलब मैं तो इन्हीं के साथ रह रही हूँ तो मतलब बहुत हेल्पफुल लोग हैं और मैं क्या बोलूँ, मतलब बहुत अच्छे हैं। मतलब आने से पहले मैंने भी ये सोचा था कि कैसे रहा जाएगा, हाँ। मेरी बेटी है, मैं बहुत टेंशन में थी कि उसको लेकर आऊंगी वो भी अफ्रीका में, हाँ, और भी कैसे चलेगा। तो ये लोग बहुत सिक्योरिटी देते हैं, बल्कि एक दफा अपने बच्चों को छोड़ देंगे कि वो लोग तो यूज टू हैं लेकिन आपके बच्चे को पहले सिक्योरिटी करेंगे कि मैं, मेरी बेटी स्कूल जाती है तो मतलब वो गेट से नहीं निकलेगी उससे पहले कि मुझे फोन आ जाएगा कि मैडम आपकी बेटी जा रही है, क्योंकि उनको ये पता है कि एज अ मुस्लिम हमारे क्या कस्टम्स हैं, हम किस तरह रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इवन यहाँ पर इनको इतना भी पता है हलाल हराम। अच्छा, जो बच्चों में स्कूल में बच्चों को खाना देते हैं तो वो बहुत ध्यान रखते हैं। अच्छा, कि मुस्लिम बच्चे हैं तो उनको किस तरह का खाना प्रोवाइड करना चाहिए, किस तरह की चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए, और वो इन चीजों को बहुत बहुत ध्यान रखते हैं। बेसिकली ये लोग अपने लिए प्रिविलेज समझते हैं कि कोई एशियन अपना बच्चा उनकी स्कूल में डाल रहे हैं। अच्छा, अच्छा। या उनके कंट्री में आकर उनको हेल्प आउट कर रहा है, बेसिकली ये उनके लिए बहुत एहसास की बात है। अच्छा, कुछ भी नहीं है, मुझे भी बहुत दफा पूछा 6 बजे के बाद निकलते हो तो क्या। अब ये तो देखिए पाकिस्तान में भी ऐसा होता है, हर जगह छोटा मोटा तो होता है, अब बीच जंगल में रुक कर मोबाइल खोल कर हेलो बोलोगे तो आपको नहीं पता 10 अच्छे तो उसमें से एक बुरा भी है। कराची में लाइफ फास्ट है, सब भाग रहे हैं, आपको भी भागना है, आपको भी भागना है, ठीक है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वो भाग रहा है, पड़ोस वाली गई है तो भाई आपको भी जाना है। जब कराची में ऐसा होता है सोशल ज्यादा होता है, एग्जैक्टली, पड़ोस वाली आंटी आएंगी वो कुछ पूछेंगी और 1 घंटा निकल जाएगी। आप कहते हैं कि एटलीस्ट अपनी फैमिली अपनी लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता है बंदा। आज के 50 साल बाद मैं बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी चाइल्डहुड, मतलब बच्चों के जो चीजें हैं उसको एंजॉय किया जबरदस्त, क्योंकि मुझे याद रहेगा कि मेरे बच्चे ये कर रहे थे। लेकिन कराची में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना फैमिली से बहुत मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, मतलब दिन का 2 घंटे भी सुकून से बैठेंगे तो हम इतने कुछ फ्रस्ट्रेटेड होते हैं काम करके या घर का काम करके या एटमोसफेयर के हिसाब से कह लो किसी भी, मतलब तो हमें मतलब वो चीज 2 घंटे भी ऐसे लगते हैं यार ट्यूशन वाली कोई ले जाए बच्चे दादी के पास छोड़ देते हैं, बच्चों से इतना वो हो जाता है कि यार बच्चे। अच्छा, और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है आपके पास मेड बहुत आसानी से अवेलेबल, मेड यहाँ पे, हाँ, हर वीडियो में मेरे की तकरीबन सबको ही मैसेज था कि मेड यहाँ पे बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत इजीली मिलती है और बहुत आप उसको ट्रेन करो। अच्छा, वो बहुत अच्छे से रहती हैं और आएंगे वर्किंग और सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। अगर आपने मेड हायर कर ली है तो फिर आप अपने हस्बैंड आपकी फैमिली या जो भी आपका प्रोफेशन है आप उसके ऊपर सुकून से फोकस चाहेंगी। अच्छी बात है कि दीज पीपल फॉलो द इंस्ट्रक्शन, अच्छा, दे फॉलो इट religiously. Acha, whatever you tell them. So if you have some issues about their dresses or something, so you just guide them once. All my staff, they know that without dupatta is not allowed or something like this is not right. They just wake up at 4:30. 4:30? And 6:30 to 7 they just sleep. Acha. So agar jaise koi gaon wala se mere apne gaon yaad aa gaya. अब शहर में भी देखेंगे ना तो कुछ लोग इनका इसी तरह का ट्रेंड बन रहा है। अच्छा। अब कंपाला को देख ले 9:30 बजे आपको कुछ नहीं मिलता बंद हो जाता है, क्योंकि बेसिकली इनका ये
इनकी जिंदगी में माइंडसेट है, इनकी स्कूलिंग लाइफ में इनको यही सिखा रहे कि जल्दी सोना और जल्दी उठना, जो कि बेसिकली हमारी सुन्नत है, लेकिन सुन्नत भी है और इंग्लिश में भी कहते हैं अर्ली अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो यही वाली ऑप्शन है। अच्छा, इस पॉइंट से मुझे यहाँ याद आया कि यहाँ फूड बहुत प्योर है, खाना बहुत प्योर है, हर चीज आपके सामने उग रही है, आपको कोई टेंशन नहीं, किसी ने वाटरमेलन में कुछ इंजेक्ट या दूध में पानी मिलाया है, आपके सामने आपको सब ये डेयरी फार्म्स दिखेंगे। सबसे बड़ी बात है इन सीरीज में मैं आपको एक और बात इसमें ऐड कर देती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो ऑस्ट्रेलिया सऊदीया कुछ इस तरह के जिसको हम बहुत वेल सेटल्ड प्रेफर करते हैं, और वहाँ रहने वहाँ से लोग यहाँ पर गंपाला में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, डेवलप कंट्रीज से यहाँ आना प्रेफर करती है, बहुत सुकून की लाइफ है, मतलब यहाँ बहुत इजी है कि आप जैसे ट्रेवल कर सकते हो, पाकिस्तान जाना है आपने अगले दिन टिकट करवाया आप चले गए, ये हो गया सिक्योरिटी लेवल है, अपना कंफर्ट जोन है। जैसे बेसिकली हम जैसे आपस में भी फैमिलीज वगैरह मजाक मस्ती करते हैं तो हम यही बोलते हैं तुम लोगों की रोबोटिक लाइफ है, मशीनी लाइफ है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, तुम लोगों को सब लोगों के ऑर्डर्स फॉलो करने नो इश्यूज, तुम लोग कितने भी डॉलर्स कमा लो, लेकिन एटलीस्ट किसी को फॉलो करना। हम लोगों का ये है कि हम जैसे जो माइंड सेटल्ड है उस सेटल्ड माइंड पर हम लोग जैसे यहाँ पर इन लोगों से काम करवा कर अपना कर लेते हैं और हम खुद इजी रहते हैं, खुद इजी रहते हैं। और बेसिकली यहाँ पर कॉफी फार्मिंग का बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आई थिंक इंडस्ट्री है कॉफी इंडस्ट्री, तो इसी तरह का ऑप्शन है कि युगांडा की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है और यहाँ से आपको कॉफी, जैसे मोस्टली यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं जिन्होंने पता नहीं कितने सालों तक अमेरिका और सऊदी अरब में गुजार कर वो लोग अर्निंग कर मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो इस जमीन को चूज करते हैं, अपने बेटे अपने बच्चों को, ग्रैंडसन्स की आप बात करें जो आजकल ग्रैंडसन्स थर्ड जनरेशन को यहाँ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो लोग खुद अपने सपोर्ट पर खड़े हो सके उनके बिजनेस से हटके, उनकी जॉब प्रोफाइल से हटकर, जैसे उनके ग्रैंडसन्स इस जमीन पर कुछ फर्टाइल करें। हमारे पास ऐसे कुछ और भी फ्रेंड्स हैं, अगर आप आते हैं तो मैं उनसे जरूर आपको मिलवाती हूँ। कॉफी की ऐसी है कि आप 3 से 4 साल आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है, ठीक है, और फिर इसके बाद फिर आपकी अर्निंग है 30 साल तक, यू कैन एंजॉय योर लाइफ एग्जैक्टली। मैं लोगों से ये भी बोलूंगी आपके जो वीडियो में देख रहे हैं कर रहे हैं कि जरूर आइए इस तरफ मर्चिसन की तरफ और दशकन में एक दफा खाना टेस्ट कीजिए और बताइए। ज़रूर भाई, आप जो भी यहाँ पे आए वो लाजिम रुके, और मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा रुके और टेस्ट करें और फिर ज़रूर कमेंट करके बताएं या एटलीस्ट इनको अपने व्यूज़ बता दें कि अच्छा ये कर लें वो कर लें। व्यूज़ मोस्ट वेलकम है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव जैसे भी, क्योंकि जाके मुझे और हमको पता चले कि यहाँ क्या किस तरह हम लोगों की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि सफ़र पर जाना आसान नहीं है, यहाँ से सफ़र पर जो लोग निकलते हैं, हम भी निकलते थे आज से 2-4 साल पहले, तो हमें पता है हम कैसे अंडा रोटी रोलेक्स को फोल्ड करके बॉयल अंडे लेकर जाते थे, और एज अ पाकिस्तानी हमारे पास तो सफर का ऑप्शन यही है कि खाओ पियो मजे करो एग्जैक्टली ऐसे ही। थैंक यू सो मच सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। जी ये थी हमारी सिस्टर जो यहाँ पे इसको दस्तरखान को रन कर रही हैं, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप है, और सुबह 7 से शाम रात 11:30 तक आपका ये अवेलेबल है। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेलो।